वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करूँ एवं पासे थाका बेल आइकनटी प्रेस करूँ सवार आगे नोटिफिकेशन पावर जन्नो। हेलो व्यूअर्स, आज के सैमसंग टीवी 21 इंच नॉर्मल पीसीबी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देखा। तो ये पीसीबीटार प्रॉब्लम होच्छे नो लाइट, साउंड आछे, प्रोग्राम साउंड आछे किन्तु नो लाइट है आज। तो नो लाइटर ऊपर प्रॉब्लम खूब कम ही देखिए। बिगिनार्स प्रॉब्लम खूब ही भलो ए छोट आस इंटर पर। इंटर पर फिर एलम जेहेतु ये नो लाइट प्रॉब्लम से सीआरटी बेसबोर्ड नहीं काज करब। अपना देखते सीआरटी बेसबोर्डा सीआरटी बेसबोर्डर पिनगुलो आरो जूम कर देखा जाते वोल्टेज मापले खूब भलोभवे बोझा जाए। सेटर पावर ऑन कर लम, पावर ऑन करार पर हमें प्रत्येक वोल्टेज मेपे देखो। तो ये हे वीडियो सप्लाई वोल्टेज, ये हे वीडियो सप्लाई वोल्टेज, ये ठीक ही आ एरपर आस। प्रथम तीनटे कैथोड मेपे नब, तर मध्य ग्रीन कैथोड। तो ग्रीन कैथोडर वोल्टेज 110, ये ठीक ही। नेक्स्ट हमें जब रेड कैथोड वोल्टेज, रेड कैथोड वोल्टेज कत तो 107.8, ये ओके। और एक कैथोड आज ब्लू कैथोड, ब्लू कैथोडर वोल्टेज 84.2। क्यों कम एत? कारण हे ये नो सिगनल अवस्था रही है और नो सिगनल अवस्था मैं ब्लू बैग होके वोल्टेजा कम देखा। जो प्रोग्राम चले आस तक ये वोल्टेजा 110 ही चले आसपर। हमें एक गुरुत्वपूर्ण वोल्टेज देखो, से जी टू वोल्टेज। जी टू वोल्टेज देखने क्योंकि कम लो, जी टू वोल्टेज हे लो एवं वोल्टेजा हे फ्लैक्चुएट कर। एखे जी टू वोल्टेज मिनिमाम 300 to 350 होते हो तब स्क्रीन लाइट आस। वोल्टेजा क्यों लो एंड फ्लैक्चुएट। तो क्यों ये वोल्टेजार लो ए फ्लैक्चुएट से भलोक देखो और कि वोल्टेजा। तो ये वोल्टेजा लो हार कारण आ अनेकगुलो कारण है। एक हे ईएसटी खराब हो तो होते पारे लो, जो जी टू वायरटा डिफेक्ट थाकले होते पारे, डैमेज थाकले होते पारे। और एखाने हे कैपासिटर जेटा रही है, कैपासिटर और जदि खराब है तालो होते पारे। और 8GB ड्राइव जदि तीनटे ना थाके तारेओ नो लाइट होते पारे। तो एखाने आमरा जी टू वोल्टेज जेहेतु कम सेहेतु आमरा सेटाके निये तदंत करब। तो जी टू वोल्टेज क्यों कम? तो जी टू वोल्टेजर संगे एखे एक कैपासिटर आज ब्लू रंग कैपासिटर आप देखते। जी टू वोल्टेज अनेकटाई कम, तो से कैपासिटर ग्राउंड आई कैपासिटर कैपासिटर ओपेन कर देखो। तो से जी टू वोल्टेज कम हार कतगुलो कारण हमें अपन के बोल। एक नम्बर हे ईएसटी खराब थे जी टू वोल्टेज खराब होते, जी टू वायर खराब थे ये होते डैमेज थे, और कैपासिटर खराब थे होते। तो प्रथम हमें जी टू वोल्टेज थे जो कैपासिटर ग्राउंड थे से कैपासिटर के ओपेन कर निल। ये कैपासिटर किन्तु मेजर करे मीटर दिए परफेक्ट रेजल्ट पावा जाबे ना, सेजन्य आमी आर एटाके मेजर करे देखाच्छी ना। एवं हाथेर सामने आमार काछे एकटा कैपासिटर अलरेडी छिल, एटा 3 KV ना, एटा 2 KV। असुविधा किछु ना, एखाने नियार अबाउट 600 वोल्टेज थाके, अतएव 2 KV वोल्टेज खूब भालोभावेई चलबे। 2 KV कैपासिटर खूब भालोभावेई चलबे, किन्तु सेम भ्यालुर कैपासिटर लागाच्छी। तो आमादेर स्क्रीन किन्तु फुल करा आछे, एवं स्क्रीन फुल करा सत्त्वेओ किन्तु वोल्टेजटा कोनोभावेई बाड़ेनि,
খুবই লো এবং ভোল্টেজটা ফ্ল্যাকচুয়েট। তা এই ক্যাপাসিটারটা খুলে দিলেও সমস্যাটা মিটে যায়। অনেক ক্ষেত্রে হাতের সামনে যদি ক্যাপাসিটার না থাকে ক্যাপাসিটার খুলে ফেলে দিয়ে কাজ চলে যায়। তো আমি যেহেতু এটা ভিডিও করছি সেহেতু ক্যাপাসিটারটা আমার হাতের কাছে আছে এবং এটা লাগিয়ে দেখাবো আর কি। তা কথা বলতে বলতে কিন্তু ক্যাপাসিটার লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা আবারও সমস্ত ভোল্টেজগুলো মেপে আপনাদেরকে দেখাবো। সেই জন্য সেটের আমরা পাওয়ার অন করে দিলাম। পাওয়ার অন করার পর আমরা প্রথমেই বুঝতে পারছেন যে G2 ভোল্টেজটা মেপে দেখাবো। দেখুন পিকচার অলরেডি এসে গেছে আর এটা হচ্ছে G2 ভোল্টেজ। G2 ভোল্টেজটা আমি দেখাচ্ছি 316। আমি বললাম যে 300 থেকে 350 এরকম একটা ভোল্টেজ থাকতে হবে। এখানে কিন্তু 316 ভোল্টেজ রয়েছে G2। আর তার মানে ক্যাপাসিটারটাই প্রবলেম বা ডিফেক্ট যাই বলুন ছিল। এবং তিনটে ক্যাথোডের ভোল্টেজও মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে গ্রিন ক্যাথোড ভোল্টেজ ঠিক আছে, আগে তো ঠিক ছিলই। রেড ক্যাথোড ভোল্টেজ ঠিক আছে, 112। ব্লু ক্যাথোড ভোল্টেজ 115-16, আগে 84 ছিল। তাহলে তিনটে ক্যাথোডেরই ভোল্টেজ সব ঠিকঠাক রয়েছে। তাহলে এই ক্যাপাসিটারটার জন্যই এই প্রবলেমটা হচ্ছিল। ছোট্ট একটা ফল্ট কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় ফল্ট। এখন এই ধরনের ফল্ট অনেকেই জানে না, কিন্তু যারা এক্সপিরিয়েন্স তাদের কথা আলাদা, যারা বিগিনার্স তাদের জন্য এটা গিফট থাকলো। ছবি পিকচার তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, মূল স্ক্রিনে ফিরে এলাম। ভিডিওটা ছোট্ট হলেও আশা করি উপকারী ভিডিও। তা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।